रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में सफाई कर्मचारियों को आरडीवीवी के वित्त विभाग अधिकारी रोहित कौशल के नेतृत्व में कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी एवं महादलित परिसंघ के हाथों खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है। तो वहीं सफाई कर्मचारियों के चेहरे राशन सामग्री पाकर खिल उठे। इस दौरान तमाम लोग मौके पर उपस्थित थे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में वित्त विभाग के अधिकारी रोहित कौशल जी के मार्गदर्शन में और कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहाणी जी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों को, यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं, उनको अनाज सामग्री वितरण की गई। विगत वर्ष भी रोहित कौशल जी द्वारा नगर निगम में रह कर के सेवा कार्य किए गए और काफ़ी सराहनीय कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि लगातार दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन के रहते हुए लोगों को काफ़ी परेशानियां महसूस हो रही हैं। वो परेशानियां अनाज के की कमी और अनाज उनको उपलब्ध कराना आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी श्री रोहित कौशल जी द्वारा यहां पर अनाज वितरण किया गया, सैनिटाइजर वितरित किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे समय में जहाँ लोगों के कामकाज बंद हों, रोजगार के साधन सब बंद हों, उस समय उनको अनाज की आवश्यकता है। ऐसे समय में उनको अनाज उपलब्ध कराना बहुत ही सराहनीय कार्य है और मैं सभी से एक ही निवेदन करूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना की जंग जीतने के लिए हमको और अब अधिक सावधानियाँ बरतना पड़ेंगी क्योंकि अनलॉक होने वाला है सांकेतिक, लेकिन उसमें हमको अपनी सावधानियां और सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी लहर ने लोगों को काफ़ी कष्ट पहुंचाया, बहुत सारे लोगों कोरोना से प्रभावित हुए हैं और सभी से अपील करूंगा कि मास्क जो है आपकी सुरक्षा है, वैक्सीन ज़रूर जिनने नहीं लगवाई है अपनी बारी के हिसाब से वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और सुरक्षित रहें।